मूवी की शुरुआत में हमें एक गाड़ी में चार दोस्त हाईवे पर जाते हुए दिखाए जाते हैं, जिसमें एक लड़के का नाम माइक होता है। वह इस शैतानी ट्रक की कहानी पर विश्वास नहीं करता। माइक अपने सामने चल रहे ट्रक को देख रहा होता है और यह सोच रहा होता है कि ट्रक ने उसकी गाड़ी को टक्कर क्यों मारी। माइक इस टाइम बहुत गुस्से में होता है और उसके दोस्त उसको लगातार समझा रहे होते हैं कि माइक इस ट्रक से पंगा मत लो, लेकिन माइक अपने गुस्से के सामने किसी की भी नहीं सुन रहा होता। माइक उस शैतानी ट्रक के खतरे से अनजान होता है और उस खतरे की तरफ कोई ध्यान नहीं देता और उससे बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है। शुरुआत में वह जादुई ट्रक माइक को आगे जाने का कोई मौका नहीं देता और थोड़ी देर में जादुई ट्रक अपनी स्पीड कम कर लेता है और माइक की गाड़ी को आगे जाने देता है। अब गाड़ी निकलने के बाद चारों दोस्त बहुत खुश होते हैं और उनका ध्यान ट्रक की इस बात पर नहीं जाता कि उस ट्रक में कोई भी ड्राइवर नहीं था, मतलब कि ट्रक बिना ड्राइवर के चल रहा था। लेकिन थोड़ी आगे जाने के बाद वह ट्रक दोबारा से उनकी गाड़ी पर हमला करने के लिए वापस आता है और वह ट्रक उनकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारता है और इस बार वह ट्रक इनकी गाड़ी को बहुत तेज से टक्कर मारता है और इस टक्कर के बाद माइक की गाड़ी सड़क पर कई बार पलटती हुई काफी दूर तक सड़क पर घिसटती जाती है, जिससे कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी टक्कर के बाद माइक के हाथ में थोड़ी सी चोट आती है और बाकी तीनों दोस्त बिल्कुल सही सलामत होते हैं। वह चारों दोस्त घूमने के लिए एक ट्रिप पर निकले होते हैं, लेकिन यह इनकी बदकिस्मती होती है कि यह चारों दोस्त इस जादुई ट्रक की नज़र में आ जाते हैं। अब उनके दिमाग में माता है कि आखिर यह ट्रक में ऐसा कौन है, वह हमारे साथ ऐसा किस लिए कर रहा है। और दूसरा दोस्त जेरी अपनी गर्लफ्रेंड बेला का हाथ पकड़ता है और दोनों ट्रक के पास जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से उन्हें कोई आभास नहीं होता कि आगे उनके साथ कैसी अजीबोगरीब बातें होने वाली है। दोनों ही उस जादुई ट्रक के पास पूरी सतर्कता के साथ जाते हैं और देखते हैं कि गाड़ी में ड्राइवर की सीट पर कोई भी नहीं है और देखते हैं कि ट्रक में चाबी भी लगी हुई है। और इस बात से माइक और उसके साथी खुश हो जाते हैं और सभी दोस्त ट्रक के पास पहुंच जाते हैं। अचानक से उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और आवाज की तरफ देखते हैं तो वहां से एक आदमी भागते हुए इन चारों की तरफ आ रहा होता है और यह देखकर चारों डर जाते हैं और समझते हैं कि यह आदमी हमें मारने आ रहा है। इसलिए वह चारों डर के जल्दी से ट्रक में बैठ जाते हैं। जेरी ट्रक को स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाते हैं ताकि उस आदमी से किसी तरह से बच सके, लेकिन इन लोगों को यह नहीं पता होता कि जादुई ट्रक ने ही यह जाल बिछा रखा था ताकि यह लोग शैतानी ट्रक का शिकार बन सके। और ट्रक के अंदर कुछ अजीब सा म्यूजिक बज रहा होता है और जल्द ही चारों गहरी नींद में सो जाते हैं और फिर ट्रक का कंट्रोल इनके हाथ में नहीं रहता और ट्रक अपने आप इन्हें एक कच्चे रास्ते की तरफ लेकर चला जाता है। कच्चे रास्ते पर जाते हुए ट्रक के नीचे कुछ आ जाता है जिससे ट्रक को झटका लगता है, जिससे जेरी की नींद खुल जाती है और वह जल्दी से ब्रेक लगा देता है, नहीं तो इन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता। और अचानक ब्रेक लगने की वजह से सबकी नींद खुल जाती है और सभी ट्रक से नीचे उतर जाते हैं और बाहर आकर देखते हैं कि ट्रक उन्हें ऐसे रास्ते पर ले आया है जो कि कोई आम रास्ता नहीं है, जिस रास्ते पर कोई भी आता जाता नहीं है, पर शैतानी ट्रक उन्हें यहाँ पर लेकर आया है। जेरी ट्रक में बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर ट्रक स्टार्ट नहीं होता और माइक को जो चोट लगी थी उस चोट में माइक को अब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तब यह लोग आपस में बात करने के बाद डिसाइड करते हैं कि जेरी अपनी गर्लफ्रेंड बेला को लेकर बाहर मदद लेने के लिए चला जाता है। इन दोनों के जाने के बाद माइक वहाँ पर एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला होता है। बाहर माइक की गर्लफ्रेंड मेरी एक बड़ी सी पत्थर को लेकर ट्रक के साथ जुड़े कंटेनर का ताला तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, इस उम्मीद में कि शायद कंटेनर के अंदर उनके कोई काम की चीज मिल जाए। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी ताले को मेरी खोल नहीं पा रही थी। कंटेनर के ताले पर भी पूरा जादू किया हुआ लग रहा है। फिर मेरी बिना ताला खोले ही हार मानकर वहां से चली जाती है। फिर मेरी ट्रक की तेल की टंकी को खोलकर देखती है, पर अंदर देखने के बाद मेरी हैरान हो जाती है कि टंकी में तो तेल है ही नहीं। फिर मेरी सोचती है कि बिना तेल के यह ट्रक कैसे चल रहा था। अब मेरी की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था, मेरी के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। फिर मेरी ट्रक का पेट्रोल का पाइप निकाल कर देखती है तो उसमें से कुछ लाल रंग का लिक्विड निकल रहा होता है। फिर उसके मन में ख्याल आता है कि यह डीजल नहीं है, फिर यह क्या चीज हो सकती है। जब मेरी ट्रक के नीचे से बाहर आती है तब वह देखती है कि माइक उठ गया है और मेरी की तरफ देख रहा होता है और फिर अचानक ट्रक की एक जगह पर हाथ डालकर एक चाबी निकाल लेता है। फिर जैसे कोई जादुई शक्ति उसे पीछे कंटेनर की तरफ लेकर गई हो और उस चाबी से माइक उस कंटेनर को खोल लेता है और फिर कंटेनर के अंदर चला जाता है। और माइक के अंदर जाते ही कंटेनर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और साथ में अंदर से तेज चिल्लाने की आवाज आती है और यह आवाज मेरी सुन लेती है और वह भागकर माइक को देखने के लिए ट्रक में पहुंचती है, मगर ट्रक के अंदर माइक नहीं मिलता और वह घबराते हुए ट्रक के बाहर माइक को ढूंढने लगती है। और तभी ट्रक के कंटेनर का दरवाजा खुलता है और माइक ठीक ठाक बाहर की तरफ आ जाता है।
लेकिन अब जो कंटेनर से माइक बाहर आया है वह माइक पहले वाला माइक नहीं है। उसके जिस हाथ में चोट लगी थी वह हाथ पहले से ज्यादा ठीक और मजबूत लग रहा है और उसकी आंखें भी बहुत डरावनी लग रही थी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी शैतानी शक्ति ने माइक के शरीर पर कब्जा कर लिया है। अब माइक सबको एक एक करके मारने वाला है और पहले मरने वाला शख्स जेरी होता है। जेरी और उसकी गर्लफ्रेंड अभी रोड पर पहुंचे ही थे, वहां पर दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हो जाती है और गुस्से में जेरी की गर्लफ्रेंड बेला वापस उस शैतानी ट्रक के पास पहुंच जाती है और बेला के जाने के बाद जेरी का सामना उस बंदूक वाले पागल आदमी से होता है और वह पागल आदमी जेरी को मारने लगता है, पर जेरी उसका मुकाबला करता है और दोनों में हाथापाई होने लगती है। इस हाथापाई में वह पागल आदमी जीत जाता है और अपनी बंदूक जेरी के मुँह में रख देता है। अब जेरी को अपना बचना मुश्किल लग रहा था। इन सबके बीच जेरी की गर्लफ्रेंड बेला शैतानी ट्रक के पास पहुंच चुकी होती है और उस ट्रक को चलाने की कोशिश करती है, मगर ट्रक में डीजल ना होने के बावजूद भी ट्रक स्टार्ट हो जाता है। हालांकि उनकी खुशियां एक सेकंड भी नहीं टिक पाई थी कि तभी उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। अब देखते हैं कि जेरी पागल हो चुका होता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड बेला को बालों से घसीटते हुए ट्रक से बाहर की तरफ लेकर आता है और उसके बाद मेरी को भी ट्रक से बाहर ले आता है और वह बंदूक उन दोनों के सर की तरफ कर देता है और दोनों लड़कियां डर के मारे कांप रही होती है और अपनी गर्लफ्रेंड को खतरे में देखकर जेरी खुद को किसी तरह होश में लेकर आता है और आराम से झुकते हुए अपनी गर्लफ्रेंड बेला को अपने गले से लगाता है और अब जेरी खुद को संभालते हुए खड़ा होता है और ट्रक पर गोली चलाता है, लेकिन फिर से उसको अजीब सी चीजें दिखाई देने लगती है और मेरी जेरी को पीछे से सर पर मार कर बेहोश कर देती है और उसके बंदूक उठा लेती है और फिर दोनों लड़कियां जेरी को उठाकर ट्रक के नीचे बांध देती है और ट्रक को किसी तरह से वापस घुमा कर ले जाने का डिसाइड करती है। लेकिन ऐसा अब यह दोनों सोच रही होती है तभी माइक वहां पर आ जाता है। तब इनको पता चलता है कि माइक के ऊपर जो शैतानी शक्ति ने कब्जा किया है वही शैतान इन लोगों को मारना चाहता है। उसने ही उस पागल आदमी के जरिए जेरी को अपने वश में किया था और जेरी का इस्तेमाल करके बेला और मेरी को मारना चाहता था। तभी जेरी माइक को बोलता है कि माइक तुमने ट्रक को नहीं चुना बल्कि ट्रक ने तुम्हें चुना है, मगर माइक को ऐसा नहीं लग रहा था कि जेरी अपने दिमाग को काबू में कर लेगा। इधर जेरी को लग रहा था कि माइक उसकी मदद करने के लिए उसके पास आया है, लेकिन अब जो जेरी के साथ होने वाला है ऐसा उसने कभी नहीं सोचा होगा और माइक इस बात का फायदा उठाता है और जेरी को धक्का मारकर गिरा देता है और इसके बाद वह जेरी को नीचे गिरकर उसका सर टायर के नीचे कर देता है। अब दोनों लड़कियों को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा होता है, इसलिए वह दोनों बाहर जाती है। दोनों जेरी का हाल देखकर बहुत दुखी हो जाती है और किसी तरह से अपने आप को संभालते हैं और दोबारा से जेरी की लाश को ट्रक के नीचे बांध देते हैं। लेकिन वह जब ट्रक से वापस आकर देखते हैं तो जेरी की लाश वहां पर नहीं होती, वहां से गायब हो चुकी होती है। अब दोनों लड़कियां और भी घबरा जाती है कि हमारे साथ यह सब हो क्या रहा है। यह सिचुएशन इतनी डरावनी होती है कि मेरी वापस आकर ट्रक में जाकर बैठ जाती है और तभी माइक वापस आता है और बेला से बोलता है क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है, और बेला को अपने जाल में फंसा लेता है और ट्रक के पीछे कंटेनर में लेकर जाता है। अब माइक का अगला शिकार उसकी गर्लफ्रेंड मेरी है और फिर वह मेरी के सामने जाता है जो कि अपनी दोस्त बेला को ढूंढ रही होती है। माइक मेरी को भी अपनी बातों में फंसाने की पूरी कोशिश करता है और मेरी ट्रक के अंदर जाती है और ट्रक को स्टार्ट करती है। वह मन में सोचती है कि अगर हम इस जगह से थोड़ी दूर चले जाएंगे तो शायद माइक ठीक हो जाए। बहुत डरते हुए और बहुत मुश्किलों के साथ मेरी ट्रक को लेकर बाहर मेन रोड पर वापस पहुंच जाती है। अब सड़क पर आने के बाद मेरी ट्रक को रोकती है ताकि वह कंटेनर से माइक को बाहर निकाल सके, लेकिन अचानक ही उसे कुछ टपकने की आवाज आती है। वह देखती है कि लाल रंग की कोई लिक्विड तेल के टैंक के नीचे से निकल कर गिरा रहा है और पता चलता है कि इस शैतानी ट्रक को डीजल की जगह इंसान के खून से चलाया जाता है। यह सब देखकर मेरी बहुत ज्यादा डर जाती है और वापस से मदद मांगने के लिए ट्रक को फिर से चलाने लग जाती है। अब फिर से ऐसा दिखाया जाता है कि माइक ट्रक के स्टेयरिंग को पकड़कर ट्रक चला रहा होता है और वह बहुत तेजी से हंसते हुए सामने से जा रही गाड़ी पर वह शैतानी ट्रक को चढ़ा देता है और मेरी को इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है। अब उसे महसूस हो चुका है कि इस ट्रक ने उनका सब कुछ खत्म कर दिया है और गुस्से में बेला को थप्पड़ मारकर बेला को ट्रक से बाहर फेंक देती है और ऐसा देखकर माइक ट्रक को रोक देता है ताकि वह
अपने शिकार बेला को अपने पास वापस ला सके। अब मैरी इस बात का फायदा उठाती है और बंदूक उठाकर अपने बैग में डाल लेती है और ट्रक से बाहर आ जाती है और वहां से भागने की तैयारी करती है और साथ ही साथ ऐसे नाटक करती है कि माइक को लगे कि मैरी उसकी बात मान रही है। और जब माइक बेला को ट्रक के पीछे वाले कंटेनर में लेकर जा रहा होता है तब मैरी मन ही मन बेला और माइक को अंदर ही बंद करने के लिए सोच रही होती है, मगर मैरी को ऐसा करने का ज्यादा समय नहीं मिल पाता और माइक मैरी को भी अंदर लेकर जाता है। और तभी माइक मैरी को क्रेशर मशीन में डालने वाला होता है, लेकिन तभी मैरी एक जोरदार हेडशॉट माइक को मारती है और माइक नीचे गिर जाता है और मौका पाते ही मैरी वहां से भाग जाती है। हालांकि माइक भागकर मैरी को फिर से पकड़ लेता है और मैरी खतरे को देखते हुए अपने बैग से बंदूक को निकालती है और माइक को गोली से मार देती है। और जब मैरी ट्रक के पास वापस आती है तो देखती है कि एक और आदमी उस शैतानी ट्रक के जाल में फंस चुका होता है, लेकिन मैरी किसी भी तरीके उस आदमी को रोक नहीं पाती क्योंकि मैरी उनसे बहुत दूर खड़ी होती है। दोस्तों इसके साथ यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों यह मूवी आपको कैसी लगी कमेंट्स कर जरूर बताएं। मूवी को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी आने वाली अगली मूवी का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।